अर्थ यही है। ऑनर कहाँ मिलेंगे नर्सरी के? मेरा नाम ओम प्रकाश है, नर्सरी का नाम कविता नर्सरी है। ये है वेरिकेटेड मनी प्लांट। जी जी, इसका क्या रेट है? सेम प्राइस 220 रुपए। सात बीघे में फैली ये नर्सरी है और लखनऊ की बहुत बड़ी होलसेल नर्सरी है। और इसमें पत्ते देख लीजिए आप, पहले पत्ते देखिए, दो चार पत्ते हैं और उसके अलावा सब फ्लावरिंग है, तो पत्ते से ज्यादा तो फ्लावरिंग हो रही है। ओह वो बहुत खूबसूरत दोस्तों ये प्लांट है, देखिए लेटेस्ट वैरायटी बिल्कुल आपको दिखा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई नर्सरी वाले मुझे लग रहे हैं ये लोग भी प्लांट यहाँ पर खरीदने आए हैं। दोस्तों मैं आज आप लोग को एक ऐसी नर्सरी पर लेकर चलूंगा जो मेरे घर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। चौक होते हुए कोनेश्वर मंदिर से बिल्कुल सीधे बालागंज होते हुए दुबग्गा से 3 किलोमीटर दूर लालाबाग में ये नर्सरी है। दोस्तों इनका मेरे पास में कमेंट आया था कि आप मेरी नर्सरी का वीडियो अपने चैनल पर शेयर करें। इन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ अपनी नर्सरी की फोटो और क्लिप शेयर की, तो मुझे ये नर्सरी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि इस नर्सरी का वीडियो अपने चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। नर्सरी पर विजिट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा मोटा मोटा मैं समझा दूं कि इस नर्सरी पर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस नर्सरी का नाम है कविता नर्सरी, जो कि एक होलसेल नर्सरी है। यहाँ पर आपको परमानेंट फूलों वाले पौधे मिल जाएंगे, इंडोर सभी तरीके की बहुत सारी वैरायटी आप लोग को मिल जाएगी, जो कि आपने इससे पहले नाम भी नहीं सुनोगे, ऐसी ऐसी वैरायटी इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फ्लावरिंग वाली वाइन भी यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजनेबल प्राइस पर। और इसके अलावा दोस्तों कैक्टस और विंटर प्लांट्स की शील्डिंग, और भी दोस्तों बहुत बड़ी नर्सरी है, लगभग 7 बीघे में फैली हुई नर्सरी, एक होलसेल लखनऊ की सबसे बड़ी नर्सरी ये मुझे अभी तक का लगी है। 40 से ज़्यादा लोग इनकी नर्सरी पर काम करते हैं। स्टाफ के लिए दोस्तों इनकी खुद की कैंटीन है, जहाँ पर सुबह शाम स्टाफ के लिए खाना बनाया जाता है, दिन भर चाय बनती है। और इन्होंने दोस्तों अपने स्टाफ के लिए ड्रेस भी रखी है, ताकि आप नर्सरी पर जाएं तो आपको पता चल जाए दूर से ही कि ये नर्सरी के स्टाफ हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर इस नर्सरी पर गया और इनके ऑनर से मिला, और मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। बाकी दोस्तों मैं गूगल मैप के ज़रिए इनकी नर्सरी पर पहुँचा, जो कि पहुँचने में मुझे बहुत आसानी हुई। तो आप भी इस नर्सरी पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो को अब आगे देखिए। दोस्तों देखिए फाइनली हम यहाँ पर गूगल मैप करके आ गए हैं, और जस्ट बगल में मुझे कविता नर्सरी दिखा रहा है, तो चलिए हम चलते हैं। भैया कविता नर्सरी यही है? ऑनर कहाँ मिलेंगे नर्सरी के? अच्छा ऑफिस में। दोस्तों अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं यहाँ पर नर्सरी में, आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा। दोस्तों मैं अंदर चल रहा हूँ, थोड़ा नर्सरी में आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत बड़ी नर्सरी है यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ी नर्सरी है, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। चलिए अंदर चलते हैं और इस नर्सरी के ऑनर से मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों जो रोड पर आपको दिखाई देते हैं लोग प्लांट बेचते हैं, साइकिल पर ठेलिया पर रख के, वो देखिए यहीं से प्लांट लेके जाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई नर्सरी वाले मुझे लग रहे हैं ये लोग भी प्लांट यहाँ पर खरीदने आए हैं, तो बहुत बड़ी होलसेल नर्सरी मुझे ये लग रही है। चलिए फाइनली दोस्तों वहाँ पर देखिए ऑफिस है, और वहाँ पर चलिए इनके ऑनर से मिलते हैं। भैया कविता नर्सरी के ऑनर यहीं मिलेंगे? अच्छा 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 सर सर हमारे सामने देखिए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं माइक दे देता हूँ, थोड़ा बिजी है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा माइक देते हैं फिर इनसे बात करते हैं नर्सरी के बारे में। यहाँ से किसी ने मुझे कमेंट किया था आपकी नर्सरी से कि हमारी नर्सरी पर आए और वीडियो बनाएं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम ओम प्रकाश है, नर्सरी का नाम कविता नर्सरी है। सर मैं देख रहा हूँ आपकी नर्सरी तो बहुत बड़ी नर्सरी है, यहाँ का एड्रेस बताइएगा। यहाँ का एड्रेस लालाबाग, वैसे फेमस जगह है। अच्छा, मगर ये पड़ता अंदर दौलत खेड़ा। अच्छा, तो वहीं पे नर्सरी हमारी है, और हमारी जो मेन यूनिट है वो रिंग रोड पे है। अच्छा, मेन रोड पे, रिंग रोड पे है, चौकी के बगल में।
अच्छा रिंग रोड पे आपकी एक और नर्सरी भी है? रिंग रोड पे जो है मेन नर्सरी वहीं पे है। अच्छा वहाँ भी यही कविता नर्सरी के नाम कविता नर्सरी नाम से है। यहाँ पे तो फार्म में यहाँ पौधे बनते सब है। अच्छा यहाँ पर पौधे तैयार करते हैं? यहाँ तैयार होते हैं। लगभग कितना एम्प्लॉय है आपकी इस नर्सरी में? लगभग 30-40 एम्प्लॉय है। 30-40 एम्प्लॉय है, बराबर है। अच्छा बेसिक आपका काम क्या है, होलसेल का काम है कि आप लोकल भी काम है? हमारा तो बेसिक काम जो है होलसेल का है और रिटेल दोनों में है, दोनों डील करते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि एक बार नर्सरी का मैं विजिट करना चाहता हूँ, तो चलिए मुझे थोड़ा विजिट करा दीजिएगा और पूरी नर्सरी के बारे में दिखा दीजिए। ठीक है, मैं अपना एक आदमी भेजता हूँ आपको जो है। जी जी, वो आपको विजिट करवाता है पूरा। जी, और पूरा दिखा के लाता है आपको। ठीक है ठीक है। अभी देखिए हमारे सामने मोनू जी हैं और ये हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं यहाँ नर्सरी के बारे में। तो मोहित जी मैं आपके पीछे देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पर मनी प्लांट्स मैं देख रहा हूँ, एक से एक बढ़िया वैरायटी में। एक दो प्लांट जरा उठा के दिखाइए, कैसे प्लांट हैं ये? ये देखिए ये एंजॉय मनी प्लांट है। वाह क्या खूबसूरत प्लांट है। लगभग इस मनी प्लांट में कितनी वैरायटी होंगी? प्रेजेंट टाइम पे तीन वैरायटी हैं। तीन वैरायटी है जी। और यहाँ पर हैंगिंग में भी बहुत सारी यहाँ पर देखिए बिल्कुल तैयार प्लांट है। ये देखिए दोस्तों, तो ये सब क्या रेट है, किस रेट में मिलेंगे सब? जैसे ये है 220 रुपए का। 220 रुपए का? हाँ, इसका मार्बल नाम है, मार्बल। अच्छा, मनी प्लांट। मार्बल मनी प्लांट जी। वाह बहुत। ये है वेरिकेटेड मनी प्लांट। जी जी, इसका क्या रेट है? सेम प्राइस 220 रुपए में। 230 रुपए में। तो ये होलसेल के रेट आप बता रहे हैं खुद कर? होलसेल रेट, होलसेल रेट है ये। चलिए थोड़ा और आगे चलिएगा दोस्तों, विजिट कराइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी नर्सरी है दोस्तों, तो आप यहाँ पर विजिट कर आएंगे यहाँ घूमते घूमते थक जाएंगे। कितनी बड़ी नर्सरी है ये? लगभग लगभग वही 7 बीघे में होगी। 7 बीघे में नर्सरी है दोस्तों। ये गोल्डन लीफ प्लांट है। अच्छा क्या रेट है इसका? इसका 80 रुपीज। 80 रुपए। ये देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है, देखिए दोस्तों वाह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए कुछ और वैरायटी दिखाइए। ये देखिए कलाथिया। वाह क्या खूबसूरत प्लांट है ये, इंडोर। जी जी इंडोर प्लांट है ये, इंडोर प्लांट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इनकी वैरायटी है। लगभग कितनी वैरायटी होंगी आपके पास? ये लगभग जो है 8 वैरायटी होंगी। 8 वैरायटी। क्या रेट क्या है इसका? 150 रुपए। ये वाला कौन सा है देखिए, बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावर खिल रहा है जी। ये आपका सप्लीमेंट है। ओहो बहुत खूबसूरत यहाँ पर दोस्तों देखिए। तो ये इंडोर ये भी है क्या? जी हाँ इंडोर प्लांट। अच्छा मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ धूप नहीं आती है और वो इस प्लांट को लगाता हाँ। है तो फ्लावरिंग उसके होगी? फ्लावरिंग होगी। बहुत खूबसूरत। तो कलर भी मुझे लग रहा है इसमें कई कलर हैं। इसमें 4 कलर होंगे। अच्छा क्या रेट है इसका? ये 250 रुपए का। 250 रुपए का है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों प्लांट तो दोस्तों बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको सिलेक्टेड प्लांट ही दिखाएं, यूनिक प्लांट होंगे, बाकी आप यहाँ पर खुद आकर विजिट कर सकते हैं। ये देखिए ये कौन सा प्लांट है? जी ये भी कलाथिया है। अच्छा ये कलाथिया की ही वैरायटी है। ये देखिए दोस्तों वो स्क्वायर पॉट में, ये 6 इंची पॉट होगा। और वो पॉइंसेटिया ना? जी पॉइंसेटिया। यहाँ पर दोस्तों देखिए पॉइंसेटिया के नहीं कितने सारे प्लांट एक साथ हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं जी। ये देखिए दोस्तों क्या रेट है पॉइंसेटिया का? ये 280 रुपए। 280 रुपए दोस्तों। विंटर में तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, अभी जब जैसे जैसे इसके ऊपर ओस गिरेगी ना ये उतना ही खिलके और उतना ही खूबसूरत लगेगा। इसमें 8 कलर मिल जाएंगे आपको। 8 कलर हैं जी। वाह देखिए ये देखिए अलग अलग वैरायटी के ही, देखिए दोस्तों देख रहे हैं जी। तो एक बात मुझे बताइए पॉइंसेटिया ये अपने यहाँ जैसे क्लाइमेट में जब धूप ज्यादा होती है गर्मियाँ आती हैं तो ये उस टाइम बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? नहीं ये एक्चुअली ऐसी बात है ना, ये प्योर इंडोर पौधा है। अच्छा तो मतलब कि उस टाइम पे हमें इसे घर के अंदर ही रखना पड़ेगा? घर के अंदर ही रखना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारी पॉइंसेटिया की वैरायटी आप लोग को दिखाई। थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा और वैरायटी देखते हैं। इंडोर में अभी आप लोग को प्लांट दिखा रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को फ्रूट्स के प्लांट्स भी दिखाऊंगा और कुछ परमानेंट फ्लावरिंग करने वाले प्लांट और शील्डिंग। इनके पास में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि मैंने ऑफ कैमरा भी यहाँ पर विजिट किए हैं। हमारे पास सैकुलेंट की कम से कम ये मान लीजिए 23-24 वैरायटी होंगी सैकुलेंट की। जी दोस्तों यहाँ पर देखिए सैकुलेंट के प्लांट देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से लेके और वो लास्ट तक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक का लास्ट तक आप देख रहे हैं, बहुत सारी इनके पास में सैकुलेंट की वैरायटी है। तो सैकुलेंट के क्या रेट स्टार्टिंग है आपका? सैकुलेंट के वही 60 रुपीज से स्टार्टिंग है। 60 रुपीज से 200 तक का है ये। ये सारे होलसेल के रेट बता रहे हैं ना? हाँ होलसेल रेट। अच्छा इसके अलावा जो पाम के पीछे प्लांट लगे हुए ये सारे? ये एरिका ड्वार्फ है आपका। अच्छा क्या रेट है इसका? ये 100 रुपए। 100 रुपए का जी। दोस्तों बहुत घना पौधा है, गमले में लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, खाली कोई भी प्लास्टिक पॉट में इसे रख दीजिए, पॉट सहित लगा रहने दीजिए, बस बाहर से आपको पॉट देखने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल तैयार पौधा है, कुछ करना ही नहीं आपको। ये बटरफ्लाई एक्लोनिमा है।
ये देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े इनके पत्ते हैं, डफन बेगिया तरह मुझे लग रहा है ये तो। जी जी कुछ पत्ते हैं ना जी, ये आइस है, आइस आइस एक्लोनिया, आइस एक्लोनिया बहुत सारे इनके पास में प्लांट है। क्या रेट है इनका जी? 250 रुपये। 250 रुपये का है दोस्तों, गमले में लगा हुआ है। और ये देखिए ये सारे इंडोर प्लांट ही है ना जी? इंडोर प्लांट, अभी तो दोस्तों हम आपको इंडोर प्लांट ही दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलिए कुछ और प्लांट दिखाइएगा। ये देखिए दोस्तों मनी प्लांट टाइप का, ये कौन सा प्लांट है? ये गोल्डन, वो क्या नाम है, फ्लोडंडान है। फ्लोडंडान जी, मोस्टिक। ओफो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाम मैं ऊपर हो सकेगा तो मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसके भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। क्या रेट है इसका जी? 350 रुपये। 350 रुपये का कमले में दोस्तों देखिए लगा हुआ तैयार प्लांट है ये, देखिए बस कुछ नहीं ले जाके आप रख दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वहाँ पीछे तक प्लांट हैं, बहुत बड़ी ये यहाँ पर इन्होंने ये ग्रीन शेड यहाँ पर बनाया हुआ है। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये पेंट कैक्टस है। क्या नाम है इसका? पेंट कैक्टस। पेंट कैक्टस जी। वाह दोस्तों इसकी ये क्या छूने पे क्या गड़ जाएगा ये? हाँ, अरे वाह गड़ जाएगा ये, तो इससे बच के रहिए, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये इंडोर प्लांट है मुझे लगता है ना? आउटडोर भी चल जाएगा। अच्छा ये धूप में रखते हैं तो नॉर्मल दिक्कत नहीं? नॉर्मल धूप में। अच्छा नॉर्मल धूप में, तो इंडोर प्लांट है। ये देखिए दोस्तों कैक्टस यहाँ पर देखिए, इनके पास में कैक्टस की भी अच्छी वैरायटी है। क्या रेट है इसका? ये 300 रुपये का। 300 रुपये का। ये हमारे पास एक 5 लेयर का बैम्बू भी है। 5 लेयर का बैम्बू, देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन प्लांट है, क्या बात है। क्या रेट है इसका जी? 800 रुपये। 800 रुपये का विथ विथ जार भी है। अच्छा विथ जार? जी जी। जार क्या इसमें लग, अभी तो जार लगा नहीं है। अभी जार लगा के देंगे आप हैं जी? चलिए ये देखिए दोस्तों लकी बैम्बो का ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी दोस्तों आप अपने इंडोर प्लांट में ऐड कर सकते हैं जी। ये देखिए ये है व्हील बैम्बो। अरे वाह क्या प्लांट है, वाह दोस्तों देख के मजा आ गया। इसको तैयार किया गया है ना इसे? जी हाँ तैयार किया गया। अच्छा बड़ा समय लगता होगा इसको तैयार करने में? काफी टाइम लग जाता है। वाह घर में दोस्तों रख दीजिए, जो आएगा वो देखता ही रह जाएगा। क्या रेट है इसका जी? भी 800 रुपये का। 800 रुपये का है दोस्तों, थोड़ा महंगा है लेकिन दोस्तों खूबसूरती देखिए इसमें, जो आए बस वो देखता ही रह जाए, यूनिक चीज है। लोकेशिया है ये, हाइड्रोपोनिक दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड्रोपोनिक एलोपीसिया का प्लांट दोस्तों। पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं इनकी। और क्या रेट है इसका जी? ये 550 रुपये। 550 रुपये का। इसमें जो प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, पानी इधर उधर फैलता है जैसे पानी डालने पे, वो समस्या नहीं है। अच्छा ये पॉट सहित है जी? पॉट इसका कुछ डिफरेंट पॉट है। ये देखिए पानी डालिए बस, इसको इसी तरह रख करके बस रख दीजिए। पानी कितने दिन में चेंज करना पड़ेगा? 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दोस्तों अभी हम कविता नर्सरी पर विजिट कर रहे हैं और अभी मैंने आप लोग को बहुत सारे इंडोर प्लांट दिखाए जो कि इनके पॉली हाउस पे लगे हुए थे, बट अब हम बाहर आ गए हैं और बाहर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कुछ फ्रूट्स वाले प्लांट दिखाता हूँ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे व्यूवर ज़्यादा फ्रूट वाले प्लांट पसंद करते हैं तो कुछ फ्रूट वाले प्लांट दिखा दें। और अभी हम दोस्तों जहाँ से मैंने एंटर किया था वो बिल्कुल सामने देखिए वो फ्रंट गेट है यहाँ पर, वहीं से मैं आया था और शायद उधर ही इनके फ्रूट्स वाले प्लांट रखे हो, क्योंकि होता क्या फ्रूट्स वाले प्लांट ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ी नर्सरी है ये, यहाँ पर आइए यहाँ विजिट करिए, विजिट करके यहाँ से आप प्लांट खरीद सकते हैं। भैया ये प्लांट कहाँ जा रहे हैं? ये अपने लोकल में सप्लाई है ना, वहीं जाते हैं। अच्छा लोकल में, लोकल कोई नर्सरी वाले आए होंगे? नर्सरी वाले। हाँ ये देखिए, ये देखिए दोस्तों बताने बेबी क्या हो बेटा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? इसकी मम्मा तो नहीं कहीं चली गई हमको लगता है। ये देखिए दोस्तों पहली वैरायटी है, कौन सी दिखा रहे हैं? ये G9 है बनाना। G9 बनाना जी। क्या रेट है इसका? ये 40 रुपये का। 40 रुपये। ये तो आमतौर पर खेती करने के लिए यूज में आता जी, है जी। हाँ टेरिस गार्डन पर लगा सकते हैं इसको? नहीं, लगा सकते हैं। तो इसके भी देखिए बहुत सारे इनके पास में प्लांट है। अच्छा इनमें ज्यादा प्लांट लेते हैं कोई डिस्काउंट होगा? जी जी बिल्कुल। चलिए कुछ और वैरायटी दिखाइए फ्रूट्स में। चलिए ये दोस्तों देखिए अभी आपके सामने मीठा करौंदा, मीठे करौंदे का पौधा देखिए दोस्तों दिखा रहे हैं जी। क्या बात है, इनमें देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है, फ्रूट्स बने हुए लग रहे हैं इसमें। फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे इनके पास में प्लांट है, पूरा वहाँ पीछे तक आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो क्या रेट है इनका जी? 100 रुपये का। 100 रुपये का ये प्लांट आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे पानी वगैरह है लेकिन हम आगे चल रहे हैं और चल के कुछ और वैरायटी मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मिनी अमरूद है।
ग्रीन मिनी अमरूद जी, चाइनीज गुआवा। चाइनीज गुआवा का ये प्लांट दोस्तों देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या रेट है इसका जी? 50 रुपीज। 50 रुपये, मात्र 50 रुपये का यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जितने भी हम आप लोग को दोस्तों बता रहे हैं ये सारे सारे होलसेल रेट हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे इनके पास में प्लांट हैं। इसके बाद यहाँ पर दो प्लांट या और हमें दिखा रहे हैं। ये है वेरिकेटेड गुआवा। वेरिकेटेड गुआवा जी, जैसी इसकी लीव्स हैं वैसा ही फल होगा। ओफो, पत्ते देखिए दोस्तों, पहले पत्ते देखिए आप। देखिए दोस्तों पत्ते देखिए कितने बेहतरीन पत्ते, इसी टाइप का फल होगा जी। जी फल बिल्कुल 1 kg टाइप का होगा। अच्छा, सेम साइज। क्या रेट है इसका जी? 150 रुपये। 150 रुपये का है। अच्छा, बहुत बेहतरीन प्लांट है दोस्तों ये भी। तो अमरूद की कितनी वैरायटी होंगी आपके पास? जी हमारे पास लगभग 8 से 10 वैरायटी होंगी। 8 से 10 वैरायटी अमरूद की मिल जाएंगी जी। बहुत बढ़िया दोस्तों। ये है मिनी लेमन। अच्छा, एक तरह इसका नाम है नारंगी। अच्छा, मिनी लेमन भी बोलते हैं इसको? नहीं सॉरी, मिनी संतरा। मिनी संतरा जी। अच्छा, और संतरा मीठा होता है, ये खट्टा होगा। हाँ दोस्तों, बहुत सारे इनकी प्लांट हैं इनके पास में। क्या रेट है इनका जी? 60 रुपये। 60 रुपये दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों हर प्लांट में कुछ ना कुछ फ्रूट्स बन ही रहे हैं। सब में फ्रूट्स बन रहे हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए ये बढ़िया प्लांट है, जिसको कि आप अपने टेरिस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। बटरफ्लाई दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से फूलों का रस चूस रही है। यही है जो पॉलिनेशन का काम करती है। तो कुछ फूल वाले प्लांट जरूर लगाइए, तभी पॉलिनेशन होगा और तभी फ्रूट्स बनेंगे। ये प्लांट ये कहाँ से आए जी? अपने दूसरी नर्सरी से रेडी होके आते हैं। अच्छा, ये प्लांट भी दूसरी नर्सरी से रेडी होके आए हैं यहाँ पर जी? अपने 5 ब्रांचेस हैं। तो ये गार्ड साहब हैं दोस्तों जो कि शुरुआत में हमें मिले थे, और इन्होंने वीडियो जब मैंने इनसे पूछा कविता नर्सरी, थोड़ा सा झिझके बताने में, फिर अपने सर को फ़ोन करके तब इन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये कविता नर्सरी है। तो बहुत सारे यहाँ पर, जैसा कि वीडियो में इन्होंने बताया था कि बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉई हैं। अच्छा, आपने मोनू जी बहुत सारे फ्रूट्स वाले प्लांट दिखाए हैं, बट मैं आने में थोड़ा लेट हो गया था और थोड़ा चीज़ें समझने में, पता भी समझने में थोड़ा देर हो गई मुझे। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ फूलों वाले प्लांट भी हमारे व्यूवर्स को दिखा दें। और उसके अलावा ये बाहर जो दो ठेले वाले हैं, ये भी यहाँ पर आते हैं प्लांट खरीदने? ये माली लोग हैं। अच्छा, लोग यहाँ से पौधे ले जाके बाहर मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, मतलब कि ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे अपनी छत पे जी प्लांट्स लगवाने हो, और मेरे छत पे कोई प्लांट ना हो और अपनी छत पे नए नए प्लांट लगवाने हो, तो यहाँ से माली मिल जाएगा? जी जी, अवेलेबल हो जाएगा, माली मिल जाएगा, प्लांट्स मिल जाएंगे, वो आके पूरे प्लांट्स गमले में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम होता है यहाँ पर। चलिए फूल वाले कुछ प्लांट दिखाइएगा। ये देखिए, ये अलमंडा क्रीपर है, येलो अलमंडा क्रीपर। क्या रेट है इसका? ये 70 रुपये। 70 रुपये जी दोस्तों, देखिए 70 रुपये। यही पौधा दोस्तों बाहर 150 आपको 200 इस तरह मिलता है, यहाँ पर 70 रुपये का मिलेगा आपको जी। क्रीपर है, इसमें 3-4 कलर मिल जाएंगे अपने पास। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों बहुत दूर तक दोस्तों देखिए वहाँ पर प्लांट है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग को विजिट करा रहा हूँ, दोबारा आऊंगा फिर यहाँ की वीडियो कभी आके बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं एक वीडियो में कवर कर सकूं। ये देसी गुलाब। देसी गुलाब दोस्तों, क्या रेट है इसका? 50 रुपये। 50 रुपये का जी? 50 रुपये का गमले में लगा के आपको लोग को दोस्तों ये मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और इसमें कितने कलर होंगे? इसमें 2 कलर होंगे। 2 कलर जी, एक ये लाल है और दूसरा कौन सा कलर है? एक वाइट होगा वो। अच्छा, वाइट जी। वाइट जल्दी बिक जाता होगा जी? हाँ वो ज्यादा। तो पौधे तो आते रहते होंगे ना? जी हाँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी क्या कुछ दिखा रहे हैं। ये डबल मधुमालती है। डबल जी? डबल मधुमालती। मधुमालती का सेंटेड है, महकता है। अच्छा, ओहो, सेंटेड प्लांट है। महक दोस्तों लगाएंगे, महक आपके यहाँ को बढ़िया आएगी। और कलर देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत कलर होगा। और गमले में लगा सकते हैं इसको? जी जी, गमले में लगा देंगे। क्रीपर है, बेल में चलेगी। अच्छा हाँ, मैंने देखा है इनको, कई लोगों ने गमले में इसको लगाया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये गमले वाला है कि नहीं। इसकी भी हमारे पास 3 से 4 वैरायटी होंगी। अच्छा, इसकी 3 से 4 वैरायटी। रेट क्या है इसका? 100 रुपीज। 100 रुपये। 100 रुपये में दोस्तों यहाँ पर ये आपको मिलेगा। ये है D5 पिंक एक्सोरा। ओहो वाह दोस्तों, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए क्या बात है। ये फ्लावरिंग करता है। अच्छा जी, ये तो डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं ना? जी हाँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे इनके कलर हैं। क्या इनमें क्या रेट है इनका? जी वही 100 रुपये। 100 रुपये का जी। और कितने कलर होंगे इनमें? इसमें करीब 8 कलर होंगे। 8 कलर दोस्तों। इसको भी दोस्तों अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। ये रेड एक्सोरा। रेड एक्सोरा जी दोस्तों, ये भी बहुत बुशी प्लांट है। क्या रेट है इसका? 70 रुपीज। 70 रुपीज में जी। चलिए बहुत बढ़िया प्लांट है। इसमें भी 4-5 कलर होंगे। इसमें भी 4-5 कलर मिल जाएंगे जी। हाँ,
दोस्तों इसमें भी बता रहे हैं कि 4-5 कलर यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। और ये कौन सा प्लांट है, इसमें भी फूल आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ जी। ये सिल्वर निकोडिया है। सिल्वर निकोडिया, निकोडिया, सिल्वर निकोडिया। इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ लगा सकते हैं, कैसे क्लाइमेट में चलेगा जी? ये बाहर धूप में ही चलेगा बेहतर। और इसमें फ्लावरिंग जब होगी ना तो ये पत्तियों से ज्यादा फ्लावरिंग इसमें होती है। अच्छा जी, मतलब जब फ्लावरिंग बंचेस में फ्लावरिंग जी जी बहुत फ्लावरिंग करता है और परमानेंट प्लांट है, 12 मास फ्लावरिंग करेगा। अच्छा, क्या रेट है इसका जी भाई? 120 रुपये। कुछ कलर इसमें आते हैं जी? इसमें वैरायटी दो है, कलर एक ही है। अच्छा, वैरायटी दो, कलर एक। एक ड्वार्फ होगा और एक ये हाइट लेगा। अच्छा, ड्रॉप वैरायटी भी इसमें आती है? जी जी जी, है आपके पास? हमारे पास ड्वार्फ वैरायटी है, मिल जाएगी आपको। चलिए, वो भी दोस्तों अभी मिल नहीं रही है, बाद में मैं आप लोग को कभी आऊंगा दिखा दूंगा। ये देखिए, ये है बाई कलर तिकोमा। तिकोमा परमानेंट फ्लावरिंग करता है। वाह दोस्तों, बहुत खूबसूरत प्लांट है तिकोमा, तो अपने गार्डन में आप जरूर लगाइए, क्योंकि ये फ्लावरिंग जब करता है बंचेस में फ्लावरिंग करता जी, है। इसमें भी 6-7 कलर मिल जाएंगे आपको। कितने बड़े पॉट में लगा हुआ ये जी? ये 8 इंच पॉट है। क्या रेट है इसका जी? 150 रुपये। 150 रुपये का यहाँ पर आपको दोस्तों मिलेगा। कितने कलर है इसमें? इसमें 6-7 कलर होंगे। 6-7 कलर मिल जाएंगे। कौन सा प्लांट दिखा रहे हैं हमारे? ये वेरिकेटेड जटरूपा है। वेरिकेटेड जटरूपा जी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके भी बहुत सारे यहाँ पर प्लांट हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक छोर से शुरू करिए और बिल्कुल लास्ट छोर तक आप चले आइए, कम से कम मुझे लग रहा है कि 1000 प्लांट होंगे इनके। ये देखिए दोस्तों, क्या रेट है भैया इनका जी? 70 रुपये। 70 रुपये का ये प्लांट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोग का एक छोटा सा मोटा मोटा विजिट कराता हूँ। वो जो लास्ट आप देख रहे हैं वहाँ पर काली काली पॉली जो हाउस बना हुआ है, वहाँ पर मैं आप लोग को लेके गया था। इंडोर प्लांट मैंने आप लोग को दिखाए थे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लांट है। और भैया एक प्लांट और दिखा रहे हैं, ये देखिए। क्या वैरायटी है ये? घंटी हिबिस्कस है। क्या नाम बताओ? घंटी हिबिस्कस। घंटी हिबिस्कस। दोस्तों देखिए, बहुत ही यूनिक प्लांट दिखाया है अभी गोलू जी ने, घंटी हिबिस्कस। तो दोस्तों देखिए, इसका नाम भैया घंटी हिबिस्कस क्यों रखा गया है? ये घंटी की तरह खिलता है छोटा सा। अच्छा, घंटी की तरह लटकता है। घंटी के शेप में फ्लावर भी होगा। वाह दोस्तों, मैं करीब से थोड़ा सा फ्लावर इसका आपको दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या कुदरत ने हमें क्या यूनिक यूनिक चीजें दी हैं, और नाम रखने वाले ने भी क्या यूनिक यूनिक नाम रखे हैं इनके। क्योंकि दोस्तों कुदरत ने कोई नाम हमें लिख के नहीं भेजे, नाम तो हमने खुद रखे हैं जी जी। इसका तो क्या बात है, क्या रेट है भैया इसका? ये इसका दूसरा कलर ये है। दूसरा कलर दोस्तों देखिए, ये देखिए कलर देखिए पहले ये, अरे तो वेरिएटेड टाइप का लग रहा है, इसमें से कलर ऐसा दिखता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो रेट बताइए इसका, रेट शो करिए। बस 200। 200 रुपए का प्लांट है दोस्तों, और ये आपका पॉट में लगा हुआ। अच्छा ये बताइए कि ये जब गर्मी आएगी, गर्मी में चल जाएगा ना ये? जी जी। तो परमानेंट प्लांट है ना? चलेगा ये, आउटडोर चलने वाला परमानेंट प्लांट है। हिबिस्कस के शौकीन है तो इसको अपने गार्डन में जरूर लगाइए। और मैं एक बार आप लोग को लास्ट में फिर से इसके फ्लावर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका फ्लावर है। कलियाँ देखिए इसमें कितनी बढ़िया, अच्छे से कलियाँ आ रही हैं। कोई ज्यादा खाद वगैरह इनको भी दी नहीं गई है, क्योंकि इनको तो सेल करना होता है। ये लोग फंगीसाइड स्प्रे तो करते हैं लेकिन खाद वगैरह ज्यादा नहीं देते हैं। चलिए, नेक्स्ट वैरायटी कौन सी दिखा रहे हैं? ये ब्लीडिंग हार्ट है। ब्लीडिंग हार्ट जी। वाह दोस्तों, बहुत बहुत खूबसूरत ये भी प्लांट होता है, और पत्तियों से ज्यादा इसमें फूल आता है, भारी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, भारी मात्रा में फ्लावरिंग करता है, जैसे कि मैंने बताया पत्तियों से फूल आता है। इसमें कलर क्या अलग अलग कलर है क्या जी? इसमें 2 कलर मिल जाएंगे अपने पास। अच्छा, नहीं मैं ये देख रहा हूँ पहले व्हाइट व्हाइट है, और जब खिलता है तो उसमें रेड निकलता है। ये फ्लावर यही है। अच्छा, इसी को इसका हार्ट बोलते हैं, बर्ड है। ब्लीडिंग हार्ट। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 2 कलर हैं इनके और प्लांट भी बहुत सारे हैं। क्या रेट है इनका जी? 100 रुपये में आपको मिलेगा। देखिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर प्लांट हैं। टिकोमा के भी दोस्तों देखिए, पर्पल कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, और फ्लावर देखिए कितने सारे एक साथ खिले हुए हैं। इसमें भी इसके भी 5-6 वैरायटी अपने पास मिल जाएंगे। ये देखिए कलर है दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्लांट भी आकर आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलर देखिए, ये कलर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कई कलर इसमें भी हैं यहाँ पर इनके पास में। क्या रेट है भैया इसका जी? वही 100 रुपीज। 100 रुपीज में आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट वैरायटी भैया कौन सी दिखा रहे हैं? ये मुसेंडा रेड है। मुसेंडा रेड जी। अच्छा, रेड कलर है इसमें, और भी कलर हैं अपने पास? 3-4 कलर मिल जाएंगे अपने पास। अच्छा, क्या रेट है भैया इसका जी? 80 रुपीज। दोस्तों देखिए इसका फ्लावर देखिए पहले आप, कितना खूबसूरत फ्लावर है। और ये इंडोर प्लांट है कि परमानेंट? आउटडोर प्लांट है। परमानेंट धूप में रख सकते हैं इसको जी। इसका आगे ये कलर देख लीजिए,
ये देखिए दोस्तों, फ्लावर के अंदर से जब ये पीले कलर का, देखिए कलियों के अंदर से पीले कलर के फ्लावर निकला है, वाह क्या खूबसूरत लग रहा है। और देखिए भैया एक कलर हमें और दिखा रहे हैं, पिंक कलर है, पिंक कलर देखिए। और इसमें पत्ते देख लीजिए आप, पहले पत्ते देखिए, दो चार है। पत्ते हैं और उसके अलावा सब फ्लावरिंग है, तो पत्ते से ज्यादा तो फ्लावरिंग हो रही है, और जबकि छोटे पॉट में लगा हुआ है, कोई बहुत बड़े पॉट में नहीं लगा है। वाह क्या खूबसूरत प्लांट है। क्या रेट है? 100 रुपए जी, 100 रुपए का ये प्लांट यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा। और यही प्लांट बाहर 150, 200, 250 रुपए तक मिल रहा है, कहीं भी आप ले लीजिए, पूछ लीजिए। और जो लोकल जो आप रोड साइड पे जो प्लांट आप खरीदते हैं, वो यहीं से सारे प्लांट खरीद के ले जाते हैं, ऐसा यहाँ के नर्सरी के ऑनर का कहना है। यहाँ पर ये एंथोरियम रेड है, इंडोर प्लांट है ना, ये भी प्योर इंडोर प्लांट, प्योर इंडोर प्लांट है दोस्तों। ये 7 इंची पॉट में है, ये इसमें भी 4 से 5 कलर होंगे अपने पास। ये देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है, इंडोर इसको लगाइए और कम देख रेख में चलने वाला ये प्लांट है। और ये देखिए दोस्तों फ्लावर प्लांट है, देखिए फ्लावर के ऊपर हार्ट शेप में, हार्ट शेप में है, उसके ऊपर ये डंडी टाइप का क्या निकला हुआ है, ये फ्लावर का कुदरत का दोस्तों अपना ही एक वो है, तो ये अपने हिसाब से बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक हार्ड है, हार्ड के ऊपर कुछ अजीब टाइप से निकला हुआ है, आप उसको कुछ भी समझ सकते हैं। क्या रेट है भैया इसका? जी ये 450 रुपए का है, 450 रुपए का, थोड़ा थोड़ा महंगा प्लांट है दोस्तों, लेकिन ऐसी चीज है कि लगा देंगे तो आज इसका स्मॉल साइज मिल जाएगा वो भी। अच्छा क्या रेट है वो? 380 रुपए का होगा, 380 रुपए का, बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ दिखाइएगा। ये मिल्की दर्शना है, ओफो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बात है, क्या है पत्तों पे, देखिए साइनिंग कितनी अच्छी आ रही है। भैया ये बताओ कि भैया इसको लेके जाते हैं अपने घर में रखते हैं, इसी तरीके साइनिंग आएगी ना? जी बिल्कुल इसी तरीके साइनिंग का बरकरार रहेगी। नहीं कि अलग से कोई स्प्रे करते हैं आप? नहीं नहीं, ये कुदरती चीज है, ये हमेशा रहेगी दोस्तों। यहाँ पर देखिये कैलेंचो के देखिये कितने सारे कलर है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कलर है। ये प्लांट अभी कहीं इस टाइम जाड़े में बहुत खूबसूरत इनमें फ्लावर खिलते हैं, और जब एक बार फ्लावर खिल जाते हैं इनमें तो फरवरी मार्च तक ये फ्लावर बने रहते हैं। तो भैया क्या कैलेंचो क्या रेट है? ये 130 रुपए का है, 130 रुपए का है। ये सब वेरीगेटेड वाला है ना? जी हाँ ये वेरीगेटेड है, देसी वाला तो नहीं है? नहीं देसी नहीं, छोटे छोटे दोस्तों पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए सब दोस्तों हाइब्रिड प्लांट है ये वेरीगेटेड, और वो देसी वाला एक आता है वो अलग है दोस्तों। देखिए बिगुनिया प्लांट लग रहा है ये, देखिए दोस्तों ये देखिए, वाह बिगुनिया ये आने लगे हैं इस टाइम। जी जी हाँ, विंटर शुरू हो गया तो आना शुरू हुआ। अच्छा अभी इनको लगाएंगे तो चलेंगे ना, बढ़िया फ्लावरिंग जी, करेंगे जी, ना बढ़िया फ्लावरिंग इंडोर तो कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे। ये देखिए दोस्तों इंडोर में बढ़िया फ्लावरिंग यहाँ कर रहे हैं, ये इंडोर इंडोर चलेगा ये? अभी जो है असल में धूप की वजह से सेटेंट में रखा जाता है, उसके बाद जब जाड़ा जाएगा उसके बाद बाहर डायरेक्ट सनलाइट में इनको लेके आएंगे दोस्तों। वही मैं तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में हमेशा ही लगाता हूँ खरीदने के बाद। कैला लिली है, कैला लिली जी, इसमें भी फूल खिलते हैं? जी हाँ ये इंडोर प्लांट चलेगा, बराबर फ्लावरिंग करता है। ओह वो बहुत खूबसूरत दोस्तों ये प्लांट है, देखिए लेटेस्ट वैरायटी बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं। ये फूल देखिए इनमें किस तरीके से बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए इनमें कलर भी आते हैं क्या? जी हाँ इसमें 5 से 6 कलर होंगे, 5 से 6 कलर आते हैं। वाह दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है, मुझे यहाँ पर इंडोर काफी अच्छे प्लांट दिखाई दिए हैं, जो कि इंडोर भी हम लगा सकते हैं, उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, बढ़िया फ्लावरिंग होती है, एक नंबर। भैया जो प्लांट आप दिखा रहे हैं ये मैं रोड साइड पर निकलता हूँ वहाँ पर ये सब प्लांट नहीं मिलते हैं मुझे? असल में ये यूनिक चीजें होती हैं, थोड़ा कॉस्टली भी रहती है ना। अच्छा तो इसीलिए सब लोग नहीं रखते हैं। सही बात है, क्योंकि वो एक दो प्लांट मर गए तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए ऐसा है ना, जो आप खुद समझ सकते हैं महंगी चीजें अगर वो रखते हैं वो तो ऐसी, और ये कुछ ही लोग खरीदेंगे इनको, जी जी, बाकी वो ऐसी चीजें लेके आएंगे जो भी तो नहीं कर पाएंगे ना, वो आउटडोर प्लांट ज्यादा सेल करते हैं। हाँ। क्योंकि धूप में वो लोग रहते हैं ना। अच्छा इनके पास दोस्तों यहाँ क्या है कि बहुत जगह है, तो ये ऐसे ऐसे प्लांट्स मंगाते हैं जो बिल्कुल यूनिक चीजें होंगी, तो बहुत अच्छा प्लांट ये दिखाया। क्या रेट बताया था आपने इसका? जी 400। कितना? 400। 400 रुपीज़ का, बताइए 400 रुपीज़ का वो प्लांट कोई रोड साइड पर रख पाएगा? अगर एक को प्लांट उनका मर गया तो वो तो दिन भर के कवर ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देखिए अभी हम आ गए हैं जहाँ पर इनकी विंटर की सारी सैपलिंग रखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों देखिए लगभग सारी विंटर की सैपलिंग इनके पास में मिलेंगी। भैया थोड़ा बताइए इस सैपलिंग के बारे में, क्या रेट है इनका? जी रन प्लस है। जी 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 ये 20 रुपये पर पीस, सारे प्लांट जो है पर पीस का रेट होगा। अच्छा हमारे पास विंटर का सारा कलेक्शन इसमें ट्रे में मिल जाएगा आपको। ये प्रमूला है। प्रमूला जी क्या रेट है इसका? ये 18 रुपए। ये सारा
पर पीस के हिसाब से रेट बता रहे हैं ना, पर पीस के हिसाब पर पीस के हिसाब का रेट है। बाकी ट्रे लेंगे तो उसका अलग रेट पड़ेगा। ये सिलुसिया आपकी आ जाएगी, ये सिलुसिया इसका क्या रेट है? तीन कलर होंगे आपके। अच्छा जी, ये 9 रुपए पीस, ये 9 रुपए का एक पीस है। और ये देखिए कोलियस के बहुत सारे प्लांट हैं, आपके कलर होंगे अलग अलग जी जी शेडेड में। और ये कौन सा है? ये कैलेंडुला है, कैलेंडुला के प्लांट है यहाँ की। ये क्या रेट है जी? 8 रुपए। 8 रुपए यहाँ पर दोस्तों मिलेगा आपको। ये आपकी गुलदाउदी, गुलदाउदी के भी छोटे प्लांट हैं, तैयार प्लांट हैं। और ये सिलोसिया के, सिलोसिया देखिए दोस्तों विंटर का बहुत खूबसूरत प्लांट जो कि लगाते हैं, लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा ये आपके गार्डन में जी। आपका जरबेरा आ जाता है, जरबेरा देखिए दोस्तों यहाँ पर। क्या रेट है इसका जी? ये 35 रुपए पर पीस है, ये परमानेंट प्लांट है। अच्छा, ये बाहर महाराष्ट्र से तैयार पौधा आता है, इसकी सीडलिंग है ये। अच्छा दोस्तों देखिए बहुत सारी शील्डिंग यहाँ से लेके वहाँ तक, पीछे देखिए दोस्तों वहाँ तक पूरी शील्डिंग सेपलिंग है यहाँ पर, वो देखिए वहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए गॉम्फिना, देखिए कितने सारे फ्लावर छोटे छोटे से इनमें खिले हुए हैं। वाह दोस्तों क्या देखने में खूबसूरत है। जाड़े में तो गॉम्फिना फ्लावरिंग करता जी, है ना जी, जाड़े में बहुत बड़ा फ्लावरिंग करता है। ये कौन सा प्लांट है? फ्लावर है, डॉग फ्लावर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको तो मैं हर साल अपने गार्डन में जरूर लगाता हूँ, फिलहाल अभी खरीद के नहीं लाया हूँ। ये पेटूनिया आपकी, ये पेटूनिया देखिए दोस्तों, आपको डबल भी मिल जाएगा, सिंगल भी, स्टार है, पिकोटी है, ब्राहो। अच्छा सब सारी वैरायटी देखिए यहाँ वहाँ तक, छोटे छोटे प्लांट्स में इनमें फ्लावर खिलना शुरू हो गए यहाँ पर देखिए दोस्तों। देखिए एक दो नहीं कईयों में फ्लावर खिल रहे हैं यहाँ, देखिए वाह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। भैया ये क्या रेट है पिटूनिया जी? 7 रुपए। 60 रुपए का है यहाँ। ये सिल्वर डस्ट है, सिल्वर डस्ट दोस्तों। अभी पहले बिल्कुल चांदी के जैसा हो जाएगा। हाँ सही बात है दोस्तों, ये इसको भी मैंने इससे पहले भी दिखाया था वीडियो में आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये साल्विया है, साल्विया देखिए दोस्तों कितना बढ़िया, कितने तैयार प्लांट है। मुझे लग रहा है जो रोड पे हम लोग को प्लांट मिलते हैं ये ट्रे में, यही सब खरीद के लेके जाते हैं। हाँ वो पौधा रेडी करके बेचते हैं। अच्छा ये गॉम्फिना मैंने दूर से आप लोग को दिखाया था, देख करीब से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए हर पौधे में देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है लगभग। ये देखिए भैया स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एक प्लांट देखिए इन्होंने निकाल के दिखाया हमें स्ट्रॉबेरी का। ये क्या रेट है जी? 20 रुपए। 20 रुपए का है ये प्लांट, बाहर 30 रुपए 25 रुपए मिल रहा है, यहाँ 20 रुपए मिलेगा आपको। ये देखिए हल्दी प्लांट है, बहुत लोग कमेंट मेरे पास कर रहे थे। और ये सीजनल में 100 प्लांट है, सीजनल में इसका नाम है हिपोस्टिस। देखिए दोस्तों नाम भी इन्होंने बताया हिपोस्टिस, तो ये देखिए बहुत सारे इनके प्लांट मिल जाएंगे और तीन कलर बता रहे हैं इनके पास, तीन कलर, पिंक है, रेड है, वाइट है। अच्छा पिंक रेड वाइट तीन कलर हैं इनके पास में इसके, और बहुत सारे यहाँ पर देखिए ये प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए कविता नर्सरी का हम विजिट कर रहे हैं जो कि दुबग्गा से 3 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों अभी मैंने बहुत सारे प्लांट्स आप लोग को दिखाए, इंडोर आउटडोर, कुछ परमानेंट फ्लावरिंग करने वाले, सैपलिंग और फ्रूटिंग। बट अभी दोस्तों बहुत टाइम हो गया, और सर के भी जो हमारे सर हमारे साथ में है ये भी, इनके पास भी टाइम नहीं है, पीछे एक भैया खड़े हैं वो इनसे कुछ टाइम मांग रहे हैं। तो एक बार सर मैं चाहता हूँ इस नर्सरी का एड्रेस आप रिपीट कर दें जी। ये एड्रेस आप दुबग्गा से आपको बुद्धेश्वर रोड जब आएंगे तो लालाबाग पेट्रोल पंप पड़ता है। अच्छा उसी के जस्ट बगल से ही रास्ता सीधा चलिए भमरौली क्रॉसिंग से पहले। जी जी जी। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पर पूरा एड्रेस और फोन नंबर लिख के आ रहा है, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। मैंने लगभग आपको पूरी नर्सरी का विजिट करा दिया है। नर्सरी के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? आपने पूरी नर्सरी घूमी नहीं अभी, अब तो टाइम हो गया ना, अब हमको भी अगले को भी टाइम देना, हमारे पास काफी कस्टमर जी, हैं। जी 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 मैं मानता हूँ कि नहीं, मैं मानता हूँ ये बात कि मैं फोन करके आपके पास नहीं आया, आपने मुझे नेक्स्ट टाइम आइए, आपको पूरी नर्सरी का विजिट कराते हैं और कॉल करके आइए ताकि हम भी टाइम निकाल के आपको टाइम दे सकें। सही बात है दोस्तों, ये मेरी गलती मैं मानता हूँ, और मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊंगा और पूरी नर्सरी का आप लोग को विजिट कराऊंगा। हालांकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सारी वैरायटी हमने इस वीडियो में आप लोग को दिखाई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस नर्सरी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा भी चैनल है हमारी नर्सरी के नाम से, कविता नर्सरी लखनऊ के नाम से, हम उस पर डे वीकली अपडेट नए नए पौधों के देते रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मोनू जी हमारे साथ में थे और उन्होंने दोस्तों हमें अच्छी जानकारी दी पौधे के बारे में, और जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे जानकार हैं यहाँ पर। इस नर्सरी की खासियत दोस्तों ये मुझे लगी है कि एक तो ये नर्सरी बहुत बड़ी है, दूसरा यहाँ पर स्टाफ बहुत ज़्यादा है,
तीसरी चीज है, इन्होंने खुद की अपनी दोस्तों ड्रेस बनाई हुई है, और जिससे कि फायदा ये मिलता है कि जब आप नर्सरी पर आते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने ड्रेस देखी, ड्रेस पे लिखा हुआ कविता नर्सरी, उससे आपको पता चल गया कि ये एक नर्सरी का एम्प्लॉई है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बाकी मैं तो आप लोग को थोड़ा सा विजिट कराता हूँ, यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पीछे वहाँ आप लास्ट तक देख रहे हैं, वो वहाँ पर दोस्तों आवाज़ आ रही है, वो वहाँ पर देखो दोस्तों एक लोग खड़े हुए हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, मैं जूम करके भी कोशिश करूँगा दिखाने की। वहाँ तक दोस्तों वो नर्सरी है, और वहाँ पर तक दोस्तों देखिए प्लांट ही प्लांट हैं। ये देखिए दोस्तों, तो 7 बीघे में फैली ये नर्सरी है, और लखनऊ की बहुत बड़ी होलसेल नर्सरी है ये, जहाँ से आप दोस्तों लगभग हर तरीके के, हर वैरायटी के प्लांट यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं कितने सारे रखे हुए हैं प्लांट। ये देखिए दोस्तों, कैमरा उठा के मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे नर्सरी वाले भी यहाँ पर आते हैं और प्लांट यहाँ से खरीदते रहते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत हलचल है, प्लांट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन प्लांट खरीदने आया है और कौन से प्लांट यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर नर्सरी पर रखे बिकने के लिए, कौन से प्लांट यहाँ पर नर्सरी बिकने आए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई प्लांट आ भी रहे हैं, कोई प्लांट जा भी रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आप लोग को लखनऊ की कविता नर्सरी का विजिट कराया। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया और मुझे ये नर्सरी बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पर जो इनके ऑनर हैं उनका व्यवहार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बैठाया, चाय नाश्ता सब कुछ कराया, और फिर मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ में शेयर की। यदि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।